आज गर्दा मचा करके रख दिए है, इसलिए होली का मौसम है, होली के तने वो गीत सुनाती सुना दीजिए। ठीक। अरे अखिलेश ओम प्रकाश, अखिलेश ओम प्रकाश, गर्दा मचा दी हले यूपी में। अखिलेश ओम प्रकाश, अखिलेश ओम प्रकाश, गर्दा मचा दी हले यूपी में। लता जी, हाँ, बिरहा सुने थे या नहीं? नेताजी का इंतजार कर रहे थे, जब वही है गतजार करके हमन का भुजाइल बन जा, हमन का गरीब आदमी भुजा कर जा, हमन का नेता का इंतजार कर रहे थे। नेताजी तब 5 बजे यहाँ कौ बजे यहाँ रातों बजे तब वो हमन का बैठे। माता जी, आप यहाँ पे इतना देर से आप बैठी हुई हैं, बिरहा सुन रही हैं या नेता के भाषण के लिए पे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं? नेता की भाषण खातिर क्या ले जा भैया, अमन का एकदम 5 बरस से भुजा कर ले जा, अमन के 5 किलो राशन से अमन को गुजारा ना होता। हम अमन का सोचा था कि अमन का नेता आ जाए कि अमन को गुजारा होके, बस ये खातिर कि अमन को परेशान है जा। देख रहे हैं एक नया प्रयास, और इस समय विधानसभा जहूराबाद, गाजीपुर के विधानसभा जहूराबाद में है। यहाँ से गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर हैं, भारतीय जनता पार्टी से कालीचरण राजभर हैं, और बसपा से सदा फातिमा जी हैं। और यहाँ पे जहाँ हम इस समय हैं, श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहेलदेव राजभर पार्क में है, और यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव पार्क में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नुक्कड़ सभा की जा रही है, जो कि नुक्कड़ सभा का परमिशन यहाँ पे 5 बजे से है, और यहाँ पे 3 बजे से हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए आप पूरी जनता इन लोगों को 3 बजे से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम इन लोगों से आज ये वीडियो हमारे बनाने का मकसद ये है कि हमने सोचा कि शायद देखिए ये हमारे साथ हैं चंद्रहास राजभर, बिरहा गायक हैं, और ये बिरहा गा रहे हैं 3 बजे से। तो हमें लगा कि लग रहा है ये लोग बिरहा सुन रहे हैं या किसी नेता का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे आज इस आप लोगों को दिखाने का मेन मकसद यही है, और ख़ास तौर पे माता जी लोगों से बात करेंगे और इन्हीं लोगों से जानेंगे कि ये लोग नेता का भाषण सुनने के लिए आई हैं या चंद्रहास भैया का बिरहा सुनने के लिए आई हैं। और तो चलिए भैया उन लोगों से बात कराइए, और सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक छोटा सा कुछ सुना दीजिए गीत जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप आज इस चुनावी परिवेश में गरीबों मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यक्रम को मीडिया के माध्यम से समाज में भेजने का काम कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की ज़रूरत है जी। सारे लोग, जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, सारे लोग त्रस्त हैं। आज मीडिया गवाह है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन अगर नहीं हुई तो पिछले आने वाला जो 50 वर्ष था, 50 वर्ष पीछे फिर ये समाज जाएगा और गुलामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे लोग। इसलिए आज परिवर्तन ज़रूर है, करना होगा। और उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश के ताज और लाज को बचाने वाले अखिलेश गायक जी, हम चाहेंगे भाषण कम, जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ की जनता चाहती है, आप अपने गाने के माध्यम से दर्दोर से सुना। गीत तो हम सुना देंगे, लेकिन आज आवाज़ उठाने, गरीबों की आवाज़ को उठाने की जरूरत पड़ी है। गीत तो आपने मंच से सही सुना, लेकिन वो भी गीत सुना देंगे। आज सम्राट सुहेलदेव जी की जयंती भी मनाई जा रही है जी। तो हम सुहेलदेव जी की जयंती पर ही गीत गा दे रहे हैं, वही सुना। अरे आयल बा पावन मौका, आयल बा पावन मौका, जुटल राज भर निक झोंका, जयंती मनावे सुहेलदेव के। आयल बा पावन मौका, जुटल राज भर निक झोंका, जयंती मनावे सुहेलदेव के। ये गीत आइए हमारे साथ बने रहिए। ये तो अभी महाराजा सुहेलदेव जी की आज यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है, तो ये गाना ये सुनाए हैं, लेकिन लास्ट में माता जी लोगों से बात कर लेते हैं, फिर यहाँ की चुनावी जंग भी सुनाएंगे। माता जी, नेता की इंतजार कर रहे थे आप या जो गायक साहब गनवा गाओ थे, कब से उनको सुन रहे हैं आप लोग? जय सुहेलदेव।
नेताजी के इंतजार, नेताजी के इंतजार। माताजी आप यहाँ पे इतना देर से आप बैठी हुई हैं, बिरहा सुन रही हैं या नेता के भाषण के लिए आप इंतजार कर रही हैं? नेता की भाषण खातिर क्या ले जा भैया, अमन का एकदम पाँच बरिस से भुजा कर ले जा, अमन के 5 किलो राशन से अमन को गुजारा ना होता। अमन का सोचा था कि अमन का नेता आ जाए कि अमन को गुजारा होके, बस ये खातिर कि अमन को परेशान है जा। माता जी बिरहा सुनत हैं या नहीं? नेताजी का इंतजार करत हैं जा, जब वही है इंतजार कर के हमन का भुजाइल बन जा, हमन का गरीब आदमी भुजा कर जा, हमन का नेता का इंतजार करत हैं जा। नेताजी तब 5 बजे यहाँ कहूँ बजे यहाँ रातों बजे तब वो हमन का बैठे रात तक कहीं बैठे? हाँ देखिए ये जुनून है माताजी लोगों के अंदर, ये जुनून दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं। यहाँ से 3 बजे से ये लोग यहाँ पे इकट्ठा है और लगभग इस समय 4 बज रहा है, 1 घंटे से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और 85+ उम्र होगी। जब तक रात नहीं हो, जब तक वो आ नहीं जाते हैं, अगर रात भी हो जाएगी तो हम उनका इंतज़ार करेंगे। एकदम बिल्कुल करारा जवाब दिया जाएगा जी, क्योंकि जनता यहाँ की परिवर्तन चाहती है। जितनी त्रासदी झेलना पड़ा है 5 वर्षों में, चाहे कोरोना को लेकर के, चाहे नोटबंदी को लेकर के, चाहे वो गरीबों की बेरोजगारी को लेकर के, नौजवानों को नौकरी को लेकर के, तमाम शिक्षा के ऊपर भी समस्या, माने हर तरह से लोग मजबूर हो गए। आज गरीब सोच रहा है कल बेटी बहन की मैं शादी कैसे करूंगा, अपने जीने के लिए ही मोहताज बना हुआ है गरीब, तो अगले अपने कार्यक्रम को, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए वो क्या करेगा? तो इस तरह की सरकार रहेगी तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको हटना ज़रूरी है। और जो खदेड़ा है इस उत्तर प्रदेश में आवाज़ लगाया है माननीय हमारे आने वाले समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी, तो ये खदेड़ा तो होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, मोदी और योगी का, ये निश्चित है। हम और हमारे दर्शक गायकी के माध्यम से सुनना चाहते हैं। गायकी के माध्यम से जी, फिर मैं आपको एक गीत सुना रहा हूँ जी। अरे लड़िए लड़ैया ओम प्रकाश भैया, भाड़ा न मिल के आगाज, जागा जागा हो, अरे जागा जागा हो, जागा भैया राज भर समाज, जागा जागा हो, जागा भैया राज भर समाज। हमारा समाज कैसा था? अरे अमई समाज अमर पिछड़ल बा भैया, अरे दिनवा गरीबिया में कटले समैया, दिनवा गरीबिया में कटले समैया, अरे लड़िए लड़ैया ओम प्रकाश भैया, अरे भाड़ा न मिल के आगाज, जागा जागा हो, जागा जागा हो, जागा भैया राज भर समाज, जागा जागा हो, जागा भैया राज भर समाज। मैं राजभर समाज को जगाना चाहता हूँ कि जो कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा दिन, वो आज बीजेपी के सरकार में देख रहे हैं। और आज ये कहीं शेर, दो शेर उत्तर प्रदेश में, दो शेर माननीय अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर आज गर्दा मचा करके रख दिए है, इसलिए होली का मौसम है, होली के तने वो गीत सुना दी ठीक। अरे अखिलेश ओम प्रकाश, अखिलेश ओम प्रकाश, गर्दा मचा दी हले यूपी में, अखिलेश ओम प्रकाश, अखिलेश ओम प्रकाश, गर्दा मचा दी हले यूपी में, दोनों नेता ली हले हथवा मिलाई, अब भाजपा की टंगरी के दी हले हिलाई। सही बात है ना? हम नहीं जानते हैं, आप ही बताइए, आज जहूराबाद की जनता क्या चाह रही है? अरे जनता खोजे विकास, जनता खोजे विकास, गर्दा मचा दी हले यूपी में, अखिलेश ओम प्रकाश, अखिलेश ओम प्रकाश, गर्दा मचा दी हले यूपी में। अब इसे बताए हैं जनता विकास खोज रही है, आप ही के यही राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले पूर्ववर्ती में 5 साल विधायक रहे, कितना विकास किए हैं? विकास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका ही नहीं मिला, जो सरकार में पहुंचे, कैबिनेट मंत्रालय में पहुंचे, तो यही बीजेपी वाले उनके टांगर को खींचना चालू कर दिए, रात दिन प्रताड़ित करते रहे, उनकी मांग को नकारते रहे।
ये उन्हीं लोगों में परेशान रह गए, विकास के तरफ वो सोचते सोचते मजबूर हो गए। और लगातार आज उनकी कमाई का अंश दिख रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की है, जो समाज के सेवा किया है, आज उत्तर प्रदेश में जो आवाज़ दिख रही है गरीबों और मुजलमों की, असेंबली तक, देश के कोने कोने तक। तो ओम प्रकाश राजभर ने अपने जान बान की शान को बचाने के लिए और राजभर समाज को खास तौर से जगाने के लिए उन्होंने बुलंद किया, और ये विकास की श्रेणी में जो कह रहे हैं यहाँ बहुत उन्होंने विकास किया है। चाचा का नाम है? हमारा जी चंद्रदेव नाम है। राजभर जी बीजेपी से भी हैं और अपने पार्टी से भी हैं और सदा फातिमा जी भी यहाँ से प्रत्याशी हैं बसपा के, तो क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल अखिलेश का और प्रकाश जी का माहौल है। कालीचरण? कालीचरण कुछ नहीं। अरे वो भी राजभर हैं? राजभर हैं तो राजभर से क्या है? मतलब राजभर सुनिए, राजभर कितने सुखदेव मंत्री, कितने मंत्री हुए, राजभर का आज तक नाम नहीं लिया कि राजभर किस गली का हैं। हाँ तो उसको क्या हम जानते हैं कि राजभर है कि क्या है वो? नाम लेता तो हम जानते हैं कि भाई हमारा बिरादर है, हमको खोज रहा है। हाँ तो खोजेगा नहीं। और भी वो बोला कालीचरण राजभर कि हमको राजभर वोट नहीं दिए हैं। हाँ बोला है, गांव में घुसा नहीं है। हाँ इस बार बोले हैं कि जब पिछली बार विधायक रहे तब बोले? पिछली बार ही बोले हैं। अच्छा। हाँ कि हमको राजभर वोट नहीं दिया है, हम दूसरे जात से हम जीते हैं। तो फिर आ गए हैं आपके बीच में? आ गए हैं तो आए, जो हमारा सिग्नल है उसको देखेंगे, जो हमको खोज रहा है उसको देखेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ये और अखिलेश राजभर जी और अखिलेश चौहान भी राजभर जी, यही इनको हमको देखना है, इस समाज में इनको देखना है कि ये क्या करेंगे, हमको लास्ट तक पहुंचाएंगे। क्या उम्मीद लग रहा है सरकार बन जाएगी? उम्मीद तो लग रही है जी, उम्मीद लग रही है कि सरकार बनेगी, पूरी रूप से कह रहे हैं सरकार बनेगी। हाँ चलिए भैया, तो विधानसभा जहूराबाद से आज हम आप लोगों को दिखाएं, यहाँ की जनता पूर्ण रूप से अपने आप में सक्षम है कि सरकार हमारी बन रही है गठबंधन की। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।